वहीद, मैं माजरत के साथ, मैं आले मोहम्मद की मजबूरी का कायल नहीं हूँ। मैं अक्सर बाजी ये बात करता हूँ कि जो सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग बैठे हैं, मैं तुहाडा बच्चा हूँ, उंज मैं बच्चा नहीं। मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ मुझे कहाँ, किस दौर में, किस माहौल में क्या बात करनी है। मैं अपने कद से बड़ी बात नहीं करता जो मैं बाद में जिसको पूरा ना सकूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरी बात अगर आपके जहनों को अपील करे तो दुआ कीजिएगा। अली की अली बेटी तौहीद बचाने के लिए करबला से रवाना हुई। करबला की सरहद पर खड़े होके आलिया ने अपना वजहुल्ला ही चेहरा उठाया। सैयदा की ऐनुल्ला ही निगाह ने सफ़र शुरू किया। मैं पहले मिसरे पे दाद चाह रहा हूँ, अगर मेरी बात पहुँचाने में मैं कामयाब हो गया। ऐनुल्ला ही निगाह सैयदा की उठी, भाई के सर को नोके नेजा पे देखा। बीबी को लगा जैसे हुसैन का सर तख्त सुलेमान की तरह महवे सफ़र है। भाई के सर की तरफ देखा, फिर मुड़ के देखा, भाई का बदन करबला की खाक पे था, फिर सर से नहीं करबला की खाक पे पड़े हुए हुसैन के बदन से। बीबी अली वाले लहजे में मुखातिब होकर फरमाती है, मैं जा रही हूँ तेरे शहर से तेरी बका पे मोहर लगाने। मैं जा रही हूँ तेरे शहर से तेरी बका पे मोहर लगाने। मैं शाम में लिख के आऊंगी के जफाए हारी है चैन जीता। फरमाती है, भैया ये तेरे कातिल को लग रहा है, ये तेरे कातिल को लग रहा है वो जंग जीता है करबला की। मैं तब ही आऊंगी करबला जब यजीद कह दे हुसैन जीता।